हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी में अभी भी HSRP प्लेट नहीं लगी है तो इस वीडियो को पूरा देखकर आप खुद से ऑनलाइन HSRP प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जितनी भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सभी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। कुछ अलग अलग साइटें भी हैं अलग अलग कंपनी की गाड़ियों के HSRP प्लेट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो सभी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में आप सभी को टाटा मोटर्स की कंपनी की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपको क्रोम ब्राउजर में मेक माई HSRP सर्च कर देना होगा। देन फर्स्ट साइट आएगी makemyhsrp.com, आपको यहां पर क्लिक कर देना होगा। ज्यादातर गाड़ियों की अलग अलग साइट है तो आपको अभी makemyhsrp.com पर क्लिक कर देना होगा। इस साइट की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन इस तरह का इंटरफेस आपके फोन में शो हो जाएगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके एक नया ऑर्डर ऑफ कर सकते हैं HSRP के लिए। अगर आपने HSRP बुक कर रखी है तो ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करके उसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए आपको कंप्लेन पे क्लिक करना होगा। अभी प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाता है। अगर आप नई HSRP के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, आपकी गाड़ी में HSRP नहीं लगी है, तो आपको न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। अगर आपकी गाड़ी में पहले से HSRP लगी थी या टूट गई है या फिर खो गई या कोई अन्य कारण रहा हो तो आपको रिप्लेसमेंट ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। अगर आपकी गाड़ी में अभी तक HSRP नहीं लगी तो आपको न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको अपनी गाड़ी का नंबर डाल देना होगा। देन इंजन नंबर पूरा कंप्लीट डालना होगा। देन चेसिस नंबर पूरा डाल देना होगा। देन गेट डेटा पर अब यहाँ पे आपकी गाड़ी का नाम आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही रहा तो आपको नीचे स्क्रॉल कर देना होगा। अब यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर नेम से हो जाएगा टाटा मोटर्स। देन उसके बाद फ्यूल टाइप, व्हीकल टाइप, देन उसके बाद इमिशन, देन रजिस्ट्रेशन डेट जो कि मस्ट है, ये भी आपको एक बार मैच कर लेना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन डेट आपका क्लियर आ रहा है इसका मतलब सब डाटा भी आपका सही रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। देन फिर से नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। अगर आप अपने सेल्फ यूज के लिए लिए हैं तो आपको पैसेंजर व्हीकल होगा, इस पर क्लिक कर देना। व्हाइट नंबर प्लेट लग जाएगी। उसके बाद कमर्शियल पर्पज के लिए अगर आपने लिया है तो यहाँ पे पीली नंबर प्लेट आएगी। अभी पैसेंजर प्लेट पे आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि व्हाइट नंबर प्लेट है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पहले पे। अब उसके बाद व्हीकल क्लास मॉडल नेम, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको LMV सेट कर देना होगा। LMV यहाँ पे नीचे सब छोड़ देना होगा, LMV केवल आपको सेट कर देना होगा। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट का साइज होगा वो मॉडल यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका गाड़ी का नंबर भी शो हो जाएगा, चार्जेस भी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे फ्रंट में कैसे नंबर लगेगा, यहाँ पे गाड़ी में बना शो हो जाएगा। सब कुछ आप मैच कर लीजिएगा जैसे आपकी गाड़ी में शो होगा। अब यहाँ पे पैसेंजर के लिए फ्रेंड्स ऐसे ही नंबर प्लेट आएगी। अगर आप कमर्शियल करेंगे तो यहाँ पे पीली नंबर प्लेट आ जाएगी। अब नीचे सवाल करके आपको केवल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। अब देन यहाँ पे आपको अफेक्सिंग स्टेट, जैसे कि जो भी आपका स्टेट होगा वो यहाँ से आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। देन अफेक्सिंग सिटी, इसे यहाँ से अपनी सिटी सिलेक्ट कर देना होगा। देन उसके बाद अगर आपकी सिटी का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज आपको होम डिलीवरी अगर चाहिए आपके घर पे आपके गाड़ी में नंबर प्लेट फिट करके जाएं तो यहाँ पे आपको होम डिलीवरी के सेक्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो पहली डेट होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप डीलर के यहाँ जाकर गाड़ी में नंबर प्लेट फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिटमेंट थ्रू डीलर शो हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। फिटमेंट डीलर जो होता है इसमें फ्रेंड्स सर्विस अच्छी मिलती है। इसमें आपको सिर्फ एजेंसी विजिट करके अपनी गाड़ी को ले जाना होगा, यहाँ पे अपनी RC भी ले जाना होगा, इसकी रसीद भी ले जाना होगा, दिखा देंगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं देना होता है, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट फिट कर देंगे। होम डिलीवरी में थोड़ा सर्विस अच्छी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ता है। अभी हम फिटमेंट थ्रू डीलर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अफेक्सिंग एड्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे जो भी एजेंसी आपकी नजदीक की होगी वो शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे शो हुई है तो आपको इसी पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अफेक्सिंग डेट में फ्रेंड्स कैलेंडर शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करने के बाद आज की डेट आपकी शो हो रही है, जो रेड है ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो यहाँ पे अवेलेबल शो होगा ब्लैक में उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि हम 27 यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहे हैं, अपने हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, उसको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी अफेक्सिंग सिटी शो हो जाएगी, मोटर शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको जाकर अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट फिट करना होगा। अब यहाँ पे ऑनर नेम में जिसके नाम से गाड़ी होगी उसका नाम यहाँ पे डाल देना होगा, RC में लिखा होगा। एड्रेस कंप्लीट फिल करना होगा। एड्रेस 1 में मकान नंबर है आपका तो वो डालिएगा, नहीं है तो आपको यहाँ पे विलेज डाल देना होगा। अगर मकान नंबर भी विलेज भी है तो यहाँ पे मकान नंबर के साथ विलेज डालिएगा। एड्रेस 2 में आपको अपना पोस्ट डाल देना होगा या फिर अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, जो भी आपके RC में लिखा होगा। सिटी डाल देना होगा, पिन कोड डाल के यहाँ पे आपको स्टेट्स हो जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये कंपलसरी इसको डाल दीजिएगा ताकि आपका कोई भी अपडेट हो वो आपके मोबाइल नंबर पर मिलती रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएगी, जैसे गाड़ी का नाम, उसके बाद जो भी डीलर होगा वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अब उसके बाद फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, चेंजेस इंजन, ये सभी शो हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक करके आपको यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक कर देना होगा। अब OTP डाल के आपको पेमेंट पर क्लिक करना होगा। नाउ यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वैलेट। तो अभी अगर आप UPI से करना चाहते हो तो आपको UPI पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन भी आ जाता है, गूगल पे, फोन पे, GPA, Paytm, ये सब आ जाएगा। अब यहाँ पे विथ UPI ID या फिर QR कोड यहाँ पे नीचे शो भी जाएगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं, जैसे UPI ID से जाते हैं तो आपको UPI ID पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे UPI ID डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे आपका नाम शो जाएगा और यहाँ पे ग्रीन टिक शो हो जाएगा, रेट आ जाएगा नीचे, आपको पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपने UPI ID से पेमेंट भेजा है, वहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। देन यहाँ पे आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी, तब तक आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पे इस तरीके का शो हो जाएगा। साइड में व्यू ऑर्डर समरी, इस पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पे आपको ऊपर लॉगआउट का भी सेक्शन शो हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आपको काफी डिटेल्स शो हो जाएगा। फ्रेंड्स डाउनलोड मनी रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर लेना होगा। बाकी नीचे स्क्रॉल करके पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब डाउनलोड मनी रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से रिसिप्ट आपके सामने आ जाएगा। अपॉइंटमेंट के दिन आपको एजेंसी में डीलर के पास ये रसीद, अपनी गाड़ी, RC लेके जाना होगा, फोटोकॉपी करा लेना होगा इन सबका। देन वहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट फिट कर दिया जाएगा।